दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख सेलिब्रेटिंग इंडियाज मून मूवमेंट तथा द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख इसरो रेडी टू लॉन्च चंद्रयान 2 के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। चंद्र अन्वेषण मिशन और भारत। इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार ने चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन एक बार फिर से चर्चा में है। चंद्र अन्वेषण मिशन या चंद्रयान 2 पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि देशों के बीच चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की होड़ रोज बरोज क्यों बढ़ती जा रही है और इस होड़ में भारत की स्थिति क्या है, यह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती समय में मंगल ग्रह के आकार के पिंड के पृथ्वी से टकराने से उत्पन्न हुए टुकड़ों, धूल कणों तथा गैसों के कालांतर में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पास आने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा यदि नहीं होता तो रातें बेहद अंधेरी और ठंडी होती, क्योंकि चंद्रमा अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश और गर्मी का कुछ हिस्सा पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। पृथ्वी पर समुद्रों में ज्वार भाटा भी मुख्य रूप से चंद्रमा की वजह से ही आता है। ज्वार भाटे पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति को कम करते हैं। अतः ज्वार भाटे न होते तो पृथ्वी पर दिन की अवधि 24 घंटे से कम होती। बहुत हद तक संभव है कि समुद्री जलधाराओं की दिशाएं भी आज जैसी नहीं होती। इन सब सामान्य बातों के अलावा इंसान यह जान लेना चाहता है कि चंद्रमा किस तरह के तत्वों से मिलकर बना है, इस पर जीवन संभव है या नहीं, यह हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। इन सारे सवालों ने इंसान के मन में हमेशा से कौतूहल पैदा किया है और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर चंद्रमा पर बिना गए मिलना संभव नहीं है। इस दिशा में पहला प्रयास सोवियत संघ द्वारा 1957 में स्पूतनिक 1 के लॉन्च के साथ किया गया। यह पहला मानव निर्मित उपग्रह था जो सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। सोवियत संघ का लूना 2 पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ। यह अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध का दौर था। इसमें कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता था। इसी का परिणाम था अमेरिका का अपोलो 11 मिशन। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 लूनर लैंडर नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन बज के साथ चंद्रमा की सी ऑफ ट्रैंक्वैलिटी में उतरा और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। इसी कड़ी में दिसंबर 1972 में चंद्रमा पर भेजा गया अपोलो 17 मिशन अब तक का अंतिम मानव मिशन था। अमेरिका तथा रूस के अतिरिक्त जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चीन तथा भारत चंद्रमा के अन्वेषण का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन वैश्विक प्रयासों के क्रम में ही देशों के बीच चंद्रमा के अन्वेषण तथा उसका अपने हित में उपयोग करने की होड़ मची हुई है। यहाँ यह सवाल उठना लाजमी है कि ये हित कौन कौन से हैं। इन हितों को समझने के लिए हम नासा की उपलब्धियों तथा विजन डॉक्यूमेंट को आधार बना सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार उसके चंद्र अन्वेषण का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा का सुरक्षित और प्रभावशाली अन्वेषण करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नासा ने चंद्रमा का सटीक और पूर्ण स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार किया। नासा चंद्रमा पर 1.5 फीट आकार की वस्तुओं को तथा अंधेरे में भी देख पाने की क्षमता अर्जित कर चुका है। यह चंद्रमा पर बर्फ तथा हाइड्रोजन का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। नासा की योजना चंद्रमा के ध्रुवों पर उपस्थित बर्फ एवं हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करने की है तथा चंद्रमा का उपयोग अपने अंतर्ग्रहीय अन्वेषण मिशन में बेस स्टेशन के रूप में भी करना है। नासा के मुताबिक चंद्र वापसी के जरिए वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे की खोज करना चाहता है। इन्हीं घटनाओं के बीच एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा पर बहुमूल्य धातु टाइटेनियम के अयस्क, एल्मेनाइट तथा सोने व लौह के भंडार होने की घोषणा की गई है। चंद्र अन्वेषण का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अब इस प्रतिस्पर्धा में केवल सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। गूगल लूनर एक्स प्राइज विनर कंपनियों में शामिल मून एक्सप्रेस का चंद्रमा पर बहुमूल्य धातुओं का खनन करना ही घोषित उद्देश्य है। इन धातुओं को बेचकर वह अपने आगे के अन्वेषण मिशन को फंड उपलब्ध कराना चाहती हैं।
इसी परिप्रेक्ष्य में बीबीसी में छपी एक खबर की बात करें तो उसमें नासा के एक पूर्व अधिकारी की ओर से कहा गया कि चंद्रमा निकट भविष्य में ही माइनिंग रोबोट्स का घर बन सकता है। वर्तमान में कई कंपनियां जिनमें स्पेसएक्स, आर्बिटल साइंस इत्यादि प्रमुख हैं, अंतरिक्ष भ्रमण कराने का ऑफर दे रही हैं। अतः इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि निकट भविष्य में चंद्रमा का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा में बेस स्टेशन के रूप में होने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल तथा न्यू स्पेस जर्नल में छपी खबरों के अनुसार अमेरिका वर्ष 2022 तक चांद पर मानव बस्ती बसाने की योजना बना रहा है। यह योजना अगले चरण में मंगल पर बस्ती बसाने की योजना का हिस्सा होगी। अब यदि इस प्रतिस्पर्धा में भारत की बात करें तो वर्ष 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी की सिफारिशों के आधार पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य चंद्रमा के लिए भारतीय अन्वेषण मिशन की व्यवहार्यता की जांच करना था। इस टास्क फोर्स ने सिफारिश की कि भारत को चंद्रमा में नए अंतर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए मिशन का कार्य करना चाहिए। इसके समर्थन में तर्क दिया गया कि इससे देश में बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इसरो को इस मिशन में आने वाली चुनौतियों से भूस्थिर कक्षा से आगे के अभियानों को संचालित करने में मदद मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र को भी ऐसी परियोजनाओं में बौद्धिक रूप से भागीदारी से प्रोत्साहन मिलेगा तथा मौलिक अनुसंधान के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को लाने में मदद मिलेगी। इस मिशन की व्यवहार्यता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने नवंबर 2003 में इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी प्रदान की। चंद्रयान 1 मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में चंद्रमा से पृथ्वी के दिखने वाले तथा पीछे वाले दोनों भागों का एक त्रिआयामी एटलस तैयार करना तथा खनिज एवं रासायनिक तत्वों के वितरण का मानचित्र बनाना था। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-C11 के द्वारा किया गया और यह अपने साथ भारत सहित 6 देशों के 11 वैज्ञानिक उपकरणों को ले गया था। यदि हम इसके तकनीकी पहलू की बात करें तो इस मिशन के दो भाग थे। पहले भाग के तहत एक सुदूर संवेदी उपग्रह था जिसे लूनर ऑर्बिटर नाम दिया गया। इसका कार्य चंद्रमा के कक्षा में घूमते हुए चंद्रमा के रासायनिक, खनिजीय तथा प्रकाश भौमिकी मानचित्र को तैयार करना था। दूसरा भाग था मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसका कार्य चंद्रमा की सतह पर उतरकर चंद्रमा की मिट्टी में पानी की उपस्थिति का पता लगाना था। प्रोब 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा और इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाले देशों अमेरिका, रूस तथा जापान के बाद चौथा देश बन गया। भारत तथा विश्व के लिए इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करना था। चूंकि यह मिशन अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरा नहीं कर सका, फिर भी अपने लगभग 10 माह की कार्य अवधि में ही इसने 95% कार्यों को पूरा किया। अब भारत चंद्र अन्वेषण के अगले चरण में चंद्रयान 2 को भेजने के लिए तैयार है, जिसकी घोषणा हाल ही में इसरो के चेयरमैन द्वारा की गई। उनके अनुसार चंद्रयान 2 वर्ष 2018 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में लॉन्च चंद्रयान 1 मिशन के उद्देश्यों से आगे बढ़ते हुए इसरो के इस मिशन में चंद्रमा की सतह पर लैंडर को नियंत्रित रूप से उतारने तथा उसके द्वारा ले जाए गए पहिए वाले रोवर से साइट स्थल पर ही रासायनिक विश्लेषण करने की योजना है। यह मिशन पूरी तरह स्वदेशी है, चूंकि इस मिशन की घोषणा इसरो तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा वर्ष 2007 में साइन किए गए एक एग्रीमेंट के साथ की गई। इस एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार रूस की अंतरिक्ष एजेंसी लूनार लैंडर तथा इसरो ऑर्बिटर और रोवर के विकास के लिए जिम्मेदार थी। सरकार द्वारा मिशन को सितंबर 2008 में अनुमति प्रदान की गई, लेकिन वर्ष 2011 में रूस के नेतृत्व में भेजे जाने वाले अंतर्ग्रहीय मिशन फोबोस ग्रंट के असफल हो जाने के कारण रूस इस प्रोजेक्ट से हट गया। इसी वजह से वर्ष 2015 में प्रस्तावित लॉन्च अब वर्ष 2018 में होने जा रहा है। अब यदि हम चंद्रयान 2 के तकनीकी पक्ष की बात करें तो ऑर्बिटर, लैंडर तथा रोवर इसके 3 मुख्य भाग हैं। इनमें ऑर्बिटर को चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
इस कक्षा में घूमते हुए आर्बिटर का मुख्य कार्य लैंडर के चांद पर उतरने की जगह का निरीक्षण करना तथा रोवर के सतह पर उतरने के बाद रोवर द्वारा भेजे गए अन्वेषणों के परिणामों को प्राप्त कर पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन को भेजने का कार्य करना है। वहीं दूसरे भाग लैंडर का मुख्य कार्य रोवर को चांद की सतह पर सुरक्षित उतारना है। इसके तीसरे भाग रोवर को हम पहिए पर चलती हुई प्रयोगशाला कह सकते हैं। यह एक 6 पहियों वाला रोबोट है जो चांद की सतह पर अलग अलग स्थानों का रासायनिक विश्लेषण करेगा तथा संबंधित आंकड़ों को आर्बिटर को भेजेगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्बिटर, रोवर तथा लैंडर पर अनेकों पेलोड या नीति भार लगाए गए हैं। यह मिशन भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV मार्क 2 के द्वारा भेजा जाना है तथा इस मिशन की कुल अनुमानित लागत 603 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब तक आप चंद्र अन्वेषण का क्या क्या महत्व हो सकता है यह समझ चुके होंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि ये महत्व भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज अमेरिका द्वारा चंद्रमा पर मानव भेजे हुए 50 साल होने वाले हैं तथा यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सिर्फ अपोलो मिशन पर 1,94,325 करोड़ रुपए खर्च हुए। अन्य मिशनों की तो हम बात भी नहीं कर रहे। इसके बाद भी अमेरिका चांद से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं प्राप्त कर सका है। ऐसी स्थिति में भारत चंद्रयान 2 मिशन पर लगभग 603 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वैसे देखा जाए तो यह बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन यदि हाल के घटनाक्रम जिसमें विश्व के 119 देशों में वर्ष 2017 के लिए भारत का भूखमरी सूचकांक 100 है तथा देश के कुछ क्षेत्रों में भूखमरी की घटनाएं हुई हैं, इस परिप्रेक्ष्य में यह राशि महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या भारत का यह मिशन अपनी तात्कालिक परिस्थितियों में नीतिगत है। इस प्रश्न के आलोक में यदि हम भारत के लिए मून मिशन के महत्व की बात करें तो यह पहली नज़र में अप्रासंगिक लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा कहने के पीछे मुख्य कारण इस तरह हैं। हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C-37 से 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए, जिनमें 101 उपग्रह विदेशी थे। इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण कितना बड़ा बाजार बन चुका है। उससे भी बड़ी बात, भेजे गए इन उपग्रहों में अमेरिका के सर्वाधिक उपग्रह का होना है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा से आगे के अंतरिक्ष अभियानों की घोषणा कर चुकी है। अब सवाल यह है कि मध्यवर्ती अंतरिक्ष अभियानों को कौन संचालित करेगा। इसी प्रश्न का उत्तर बनाने की कोशिश इसरो कर रहा है। इसरो के द्वारा सफल अभियान तथा तकनीकी विकास के बाद इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह भी चंद्रमा पर उपलब्ध खनिज संसाधनों का अपने अंतरिक्ष मिशनों के वित्तीयन में उपयोग कर सकता है। मंगल मिशन के पहली बार में ही सफल होने तथा इसके अत्यधिक किफायती होने के कारण विश्व के अनेक देश अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो की ओर उन्मुख हुए हैं, और इसरो के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यह अपने भविष्य के मिशनों का काफी हद तक वित्तीयन स्वयं कर ले। स्पेसएक्स, मून एक्सप्रेस, ऑर्बिटल इत्यादि प्राइवेट कंपनियां जिस तरह अंतरिक्ष पर्यटन में रुचि दिखा रही हैं, उससे भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन क्षेत्र के अत्यधिक व्यापक होने की संभावना है, और इसरो के लिए अवसर का एक नया क्षेत्र हो सकता है जिसमें इसरो मिशन संचालक, सहायक, गाइड या तकनीकी विक्रेता की भूमिका अदा कर सकता है। इसका उदाहरण गूगल लूनर एक्सप्राइज फाउंडेशन पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी टीम इंडस के सहायकों तथा कार्यों में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस कंपनी में अधिकतर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तथा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा यह चंद्रयान 2 मिशन में रोवर के विकास से जुड़ी हुई है। इसकी योजना वर्ष 2018 में चंद्रमा पर अपना अंतरिक्षयान भेजने की है। पिछले कुछ वर्षों से नासा अपने जरूरी छोटे अंतरिक्ष मिशनों को प्राइवेट कंपनियों तथा सहयोगियों को हस्तांतरित कर स्वयं अंतर्ग्रहीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में नासा तथा इसरो का सहयोग भी बढ़ा है। इससे इस बात की प्रबल संभावना है कि इसरो नासा का एक विश्वस्त सहयोगी बनकर उभरे। ऐसा होने की स्थिति में यह अमेरिका तथा भारत दोनों के हित में होगा। अब यदि हम इसरो को उपलब्ध या भविष्य में उपलब्ध होने वाले अवसरों को एक साथ समग्र रूप में देखें तो हम पाएंगे कि इसरो अपने वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से
अपने खर्च का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है तथा भविष्य में इस बात की पूरी संभावना है कि यह हिस्सा और भी बढ़े। जहां तक बात रही भारत की भूखमरी सूचकांक में स्थान तथा हालिया घटनाओं के परिप्रेक्ष्य की, तो यह थोड़ा चिंताजनक जरूर लगता है, लेकिन इसके लिए अंतरिक्ष अभियानों या जरूरी विकास के कार्यों को उत्तरदायी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता। वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद सरकार ने सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गारंटी ली है। हाँ, प्रशासनिक स्तर पर कुछ खामियां जरूर हैं जिन्हें दूर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अतः कृषि, आपदा प्रबंधन, वन संरक्षण, रक्षा, दूरसंचार, अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय विदेश नीति इत्यादि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिस प्रकार इसरो सकारात्मक योगदान दे रही है, इससे इस बात की प्रबल संभावना है कि यह भारत को आने वाले समय में भूखमरी, गरीबी और आतंकवाद जैसी समस्याओं से लड़ने में भी एक समर्थ सहायक की भूमिका अदा करे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, चंद्र अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों को स्पष्ट करें। ये उपलब्धियां अंतर्ग्रहीय अन्वेषण मिशनों में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं?